हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतुपर्णा फिर से हर रोज की तरह और एक नई ड्राइंग लेके आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। मैं आज आपको दिखाऊंगी फर्स्ट में स्पेशल ड्राइंग, और इस ड्राइंग में मैं यूज करने वाली हूँ ऑयल पेस्टल कलर का। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ड्राइंग। और ड्राइंग शुरू करने से पहले आप सबको तो पता ही है कि रॉक कैनवास ने एक नया ड्राइंग चैनल लॉन्च किया है लीजन स्टार के लिए, रॉक कैनवास लीजन स्टार स्टार्ट हुआ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पे हम सब्जेक्ट ड्राइंग, स्कूल प्रोजेक्ट वाला ड्राइंग और ड्राइंग किताबों में जिस तरीके का ड्राइंग करता है वैसे तरीके का सारा ड्राइंग शेयर कर रहे हैं। आप इस चैनल को भी प्लीज विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ड्राइंग। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको मे डे स्पेशल ड्राइंग दिखाऊंगी। मैं पहले कॉम्पास और एचबी पेंसिल के हेल्प से सर्कल ड्राइंग कर रही हूँ। अब मैं एक बंद मुट्ठी ड्राइंग कर रही हूँ, और ड्राइंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्लैक परमानेंट मार्कर। मैंने जो वो पहले थ्री सर्कल किया था पेंसिल और कॉम्पास के हेल्प से, वो भी मैंने ब्लैक परमानेंट मार्कर से बॉर्डर कर दिया है, और मैंने वो आपको नहीं दिखाया क्योंकि बार बार एक चीज़ दिखाने का कोई फायदा नहीं है। मैं अब एक लेबर का टूल ड्राइंग कर रही हूँ जो ये बंद मुट्ठी में पकड़ा हुआ है ऐसा। अब मैं ये एक व्हील के तरह ड्राइंग कर रही हूं। अब मैं थोड़ा सा नीचे में सिलुएट जैसा लेवर वो ड्राइंग कर रही हूँ। मेरा ये लाइन ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पेंसिल ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है कलर की, और इस ड्राइंग में मैं जो जो कलर यूज करने वाली हूँ वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं कलर। अब मैं कलर स्टार्ट कर रही हूँ। मैं पहले ऑरेंज यूज कर रही हूँ हैंड में। नाउ सलमान पिंक। अब मैं स्किन कलर यूज कर रही हूँ। अब इधर थोड़ा सा डार्क पोर्शन है हैंड का, इसलिए डार्क हो रहा है। ब्राउन कलर दे रही हूँ मैं, जिधर जिधर डार्क पोर्शन होगा वो सब जगह में। अब मैं पेल येलो यूज कर रही हूँ, एकदम हाईलाइट पोर्शन है हैंड का जिधर, उस जगह में।
अब ये सब जो फिंगर है वो फिंगर्स में भी मैं सेमी कलर करूंगी। पहले ऑरेंज यूज कर रही हूँ मैं। नाउ सलमान पिंक। अब स्किन। थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ ब्राउन से। अब हाईलाइट दे रही हूँ पेल येलो से। थोड़ा सा हैंड से इसको रब करके ब्लेंड कर रही हूँ। अब नेल पे मैंने व्हाइट कलर यूज कर रही हूँ मैं। अब मैं पुश एंड ब्लू यूज कर रही हूँ। नाउ कोबाल्ट ब्लू। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप एंजॉय कर रहे हो। और अगर आप ये वीडियो अच्छी तरह से देखोगे स्टेप बाय स्टेप तो डेफिनेटली ये ड्राइंग आप कर पाओगे, क्योंकि आप जितने अच्छी तरीके से इसको फॉलो करोगे उतना ही आसानी से आप ये कर पाओगे। अब मैं स्काई ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। हो सकता है कि फर्स्ट बार रुक के ट्राई से ही आपको नहीं हुआ, लेकिन आप एक दो बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अब मैं वर्मिलियन यूज कर रही हूँ और एक सर्किट में। नाउ ऑरेंज। अब मीडियम येलो। अब मैं डार्क ग्रे कलर यूज कर रही हूँ ये जो लास्ट वाला सर्किल है इसमें। तो फ्रेंड्स मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको बोल दिया था कि रॉन्ग कैनवास ने एक नया ड्राइंग चैनल लॉन्च किया है, रॉन्ग कैनवास लिटिल स्टार्स आर्ट 2। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल में हम स्कूल प्रोजेक्ट वाला ड्राइंग, ड्राइंग किताबों में जैसे ड्राइंग रहता है वैसे तरीके का ड्राइंग शेयर कर रहे हैं। आप उस चैनल को फॉलो कीजिए तो डेफिनेटली आप स्टेप बाय स्टेप वो ड्राइंग बहुत ही सिंपल तरीके से कर पाओगे। अब मैं ये टूल कलर कर रही हूँ। कलर के लिए मैं डार्क ग्रे यूज कर रही हूँ। अब मैं ब्रांड एम्बर कलर यूज कर रही हूँ। अब मैं व्हाइट कलर यूज कर रही हूँ। अब ब्लैक ग्रेफाइट पेंसिल यूज कर रही हूँ डार्क टोन देने के लिए। आप चाहो तो आप ग्लास मार्किंग पेंसिल भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास ग्रेफाइट पेंसिल ना हो तो। वैसे कोई बात नहीं है कि आपको ग्रेफाइट पेंसिल ही चाहिए कलर करने के लिए, आपके पास जो है वो उससे ही आप करिए। मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ इधर भी। नीचे का पोर्शन कर रही हूँ डार्क ग्रे से। थोड़ा सा व्हाइट यूज कर रही हूँ लाइट हाईलाइट करने के लिए। अब फिर से ग्रेफाइट पेंसिल यूज कर रही हूँ डार्क करने के लिए। फिर से लाइट ग्रे। अब मैं स्कारलेट यूज कर रही हूँ बैकग्राउंड में। अब देख रहे हो ना मैं कैसे फ्लैट स्कारलेट कलर लगा रही हूँ।
फ्रेंड्स आप ये ड्राइंग करके हमें इंस्टाग्राम में भी शेयर कर सकते हो। अब मैं इस साइड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये सेम का स्कारलेट ना हो तो आप इसका इस शेड का कोई दूसरा कलर भी यूज कर सकते हो, नजदीक इसका जो कलर है वो आप यूज कर सकते हो। अब मैं रेड कलर यूज कर रही हूँ। अब मैं इस पोर्शन में रेड कलर यूज कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरा ऑलमोस्ट कलर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं येलो एक्रेलिक कलर यूज कर रही हूँ फास्ट मेड लिखने के लिए। अगर आपके पास एक्रेलिक कलर ना हो तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट आपके पास जो है वो उससे ही आप कलर कर सकते हो, पोस्टर कलर या फैब्रिक कलर जो भी हो आपके पास इसका सब्स्टिट्यूट उससे भी आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये मेरा कलर भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी है मास्किंग टेप रिमूव की, तो चलिए करते हैं मास्किंग टेप रिमूव। अब मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं मास्किंग टेप रिमूव कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये ड्राइंग हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो फ्रेंड्स ये था मेरा फर्स्ट में स्पेशल ड्राइंग। तो कैसा लगा ये ड्राइंग आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ड्राइंग लेके, तब तक के लिए बाय बाय।